हेलो गाइस, आज मैं बात कर रहा हूँ उल्लास भेरिया के बारे में। उल्लास भेरिया के बारे में जो इतना हा करके भेरिया के तरह जानवर के तरह राक्षस के तरह दैत के तरह चिकन खाता। जितना चिकन तुम खाते हो ना उतना गरीबों में अगर खिला दोगे ना गरीब का दुआ लगेगा, तुम्हारे बाल बच्चा का दुआ लगेगा। मेरे वीडियो पे आते हो उल्टा पुल्टा कमेंट करने के लिए। तो हेलो गाइस, ये अल्लाह ये चिकन कबाब जो चिकन लेग पीस के नाम से जो ज्यादा प्रसिद्ध है, ये मेरे वीडियो पे किस तरह का कमेंट करता है आप लोग देख सकते हो। ये वीडियो आप लोग देखिए पहले। ये कहाँ से ये मानव लगता है, ये राक्षस कुल का लगता है। ऐसे लगता है ये राक्षस आदमी का राक्षस ज्यादा लगता है। तो मेरे से भिड़ने से पहले 100 बार सोच लेना। मैं ऐसा मत सोचो मैं गांव से हूँ गवार हूँ, ये सोच लो। सोच रहे हो गांव का लड़का कुछ बोलेगा नहीं। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों एक नए ब्लॉग में फिर से आप लोग का स्वागत है। और आज मैं ले चलता हूँ, मेरा गन्ना बंधाई हो रहा है जो कि यूपी से मजदूर आया हुआ है। 3 मजदूर है खेतों में, कल शाम से ही 3 बजे से काम कर रहा। मैंने एक इंस्टाग्राम पे शॉर्ट वीडियो डाल के मैंने अपडेट दिया था। और ये ब्लॉगिंग आज मैं सुबह 8 बजे से कर रहा हूँ। आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और खेती बाड़ी आप लोग को चलिए घुमाता हूँ। ये देखिए कितना हमारे यहाँ का मौसम हरा भरा है। चलिए बैक कैमरा से आप लोग को मैं जल्दी दिखाता हूँ। ये देखिए सुबह का व्यू। और देखिए भाई ये सब 4 बजे 4-4:30 बजे के आसपास आया, क्योंकि गर्मी इतना पड़ता ना, धूप इतना हो रहा है, बारिश नहीं हो रही, जिसके कारण ये लोग बहुत सवेरे आए। और अभी 8 बजे के आसपास गन्ना बंधाई एकदम कंप्लीट हो चुका। देख सकते हो धान में सब पानी लगा रहे हैं खेतों में। क्या भैया हो गया, खाना भी बन रहा भैया? चावल होने ही वाला है, दाल चढ़ गया और सिर्फ सब्जी बनाना है। ठीक है, यहीं डेरा पे बन रहा, खाली आधा घंटा समय दीजिएगा, बैठ जाइएगा खाना खा। हाँ आधा घंटा जब तक आप लोग नहाइएगा धोइएगा खाना बन जाएगा, ठीक है ना। तो हम थोड़ा हम भी सोचे कि नहीं, हमको पता नहीं था, आप लोग बोलते ना जैसे आए हमको उठा देते आप। यहीं डेरा पे आपको कॉल करना चाहिए, हम कॉल उठा लेते आपका। देखिए भैया कैसे गन्ना बांध रहे हैं आप लोग देख सकते हो। अगर कोई किसान भाई को आपको बंधवाना तो ऐसे बांध सकते। कहाँ से हो भैया आप लोग? बिहार। ये भैया देखिए कैसे हम मजाक कर रहे हैं। यूपी में कहाँ से हैं? मुरादाबाद से। और देखिए कितना काफी अच्छा गन्ना बांध रहे हैं, काफी अच्छा गन्ना बांध रहे हैं। अगर हसनपुर चीनी मिल के अंतर्गत किसी भी किसान भाई को गन्ना बनवाना हो आप लोग भी बनवा सकते हो। आप लोग को मैं अंदर थोड़ा चेक करके दिखाता हूँ। इधर देखिए ये भैया को चांस ना लगे, जिसके कारण देखिए कैसे ये जाली लगा रखे हैं। इससे क्या होता है कि आपका चेहरा पे ये जो होता है ना इससे कटता है, उससे आपका बचाव होता है। और देखिए कितना टैलेंट है भैया का, गजब का। ये मेरा YouTube पे वीडियो जाता है, मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ आप लोग को। चलिए मैं अंदर थोड़ा चल के दिखाता हूँ कितना अच्छा भैया लोग काम किए हुए हैं। और आप लोग को भी बंधवाना हो तो देख सकते हो। चलिए मैं थोड़ा अंदर जाता हूँ। देखिए भैया उस टाइम आप देखे होंगे, काफ़ी टाइम पहले जब मैं खेत आता था अंदर नहीं घुस पाता था, अभी देख सकते हो मैं जिधर से चाहूँ उधर से गन्ना के खेत घुस सकता हूँ। देख सकते हो भाई कितना अच्छा गन्ना बंधा हुआ है। लेकिन एक एक भैया थोड़ा भैया आरी वाला जो गन्ना है ना वो थोड़ा अच्छा से समेट के पकड़िएगा। चलिए बाहर निकलता है और ये लोग तब तक नहाएंगे धोएंगे, चाय नाश्ता और खाना पीना का व्यवस्था होगा, ये लोग को खिला कर ही भेजेंगे। आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। हो गया ना भैया? चलो तैयारी करो। कितना रुपया लेते कट्ठा? 120। वाह वीडियो में तो बहुत ज़्यादा बोल रहे। वैसे भैया मेरा कोई पर्सनल इनसे बात हो चुका है, वैसे भैया का जो रेट है आप लोग अगर काम करवाना चाहते हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपका नंबर वहाँ पे DM कर दूँगा। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आप लोग को जो भी किसान भाई को गन्ना बनवाना हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो।
और देख सकते हो भैया का काम एकदम फिनिश हो गया। कितना घंटा लगा एक बीघा बांधने में भैया? एक दिन में कितना गन्ना बांध लेते हो आप लोग? एक बीघा। चलिए काफी। देखिए भैया का पूरा शरीर पसीना से अत्तर बत्तर पूरे भींगा हुआ है। चलो बाहर बनाएंगे वीडियो बाहर। यूपी में कहाँ बोले? मुरादाबाद। यूपी में मुरादाबाद से है भैया। काफी अच्छा लगता है कि जब बिहार में भी लोग काम करने के लिए आते हैं, काफी अच्छा लगता है कि लोग सोचता बिहार से ही लोग बाहर जाता काम करने। भाई आप ऐसा कुछ करो कि लोग आपके बिहार आए काम करने के लिए। तो देखो भाई खेती का पावर, आप लोग को भी बोलता हूँ, आप लोग भी खेती करो। चलिए काफी। देखिए भैया का पूरा शरीर पसीना से अत्तर बत्तर पूरे भींगा हुआ है। चलो बाहर बनाएंगे वीडियो बाहर। यूपी में कहाँ बोले? मुरादाबाद। मुरादाबाद। यूपी में मुरादाबाद से है भैया। काफी अच्छा लगता है कि जब बिहार में भी लोग काम करने के लिए आते हैं, काफी अच्छा लगता है कि लोग सोचता बिहार से ही लोग बाहर जाता काम करने। भाई आप ऐसा कुछ करो कि लोग आपके बिहार आए काम करने के लिए। तो देखो भाई खेती का पावर, आप लोग को भी बोलता हूँ, आप लोग भी खेती करो। तो भाई कितना अच्छा है सुबह के टाइम, अच्छा व्यू है। आप लोग भी मेहनत करो, खेती करो, खेती का पावर देखो। आप लोग बोलते हो यार किसान कुछ भी नहीं है, तो खेती करो, मेहनत करो, यही बोलेंगे क्या भैया? मेहनत ये भैया कैमरा में आने से शर्माते हैं, बोलते हैं कि यार हमको ब्लॉग में मत लो। और चलिए आप लोग को मैं थोड़ा अपना सब्जी का खेत घुमा देता हूँ सुबह सुबह। देखिए ये तो अभी बैंगन में पानी नहीं पड़ा जिसके कारण ये ऐसे हो रखा है। और इधर ये दिखाता हूँ आप लोग का खरबूजा। और ये दिखाइए मिर्ची। और इधर एक चीज दिखा रहा हूँ आप लोग को, जल्दी देखो बैंगन आ रहा है। ये देखो बैंगन कितना अच्छा अच्छा बैंगन आ रहा है। वाह है ना। चलिए और मैं कड़वा दिखाता हूँ। देखो ये देखो ये क्या है, आप लोग कमेंट कीजिए। और ये देखिए हाय गौरी, हाय सर। चलो चलते हैं डेरा। देखो कैसे आ रहा है। आजा 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 आजा। हाँ इधर देखिए। हाँ इधर ये देखिए व्यू। चलिए आप लोग बने रहिए, आज दिन भर का ब्लॉग आप लोग को दिखाएंगे। तो हेलो दोस्तों, भाग दौड़ की ज़िंदगी में थकना मना है। तो दोस्तों आज मैं कुछ आप लोग को बताने वाला हूँ, और जो चिकन लेग पीस जो टिकला है वो मेरे पे काफ़ी एकदम मतलब भड़काऊ कमेंट मेरे वीडियो पे किया है। आप लोग को मैं वो कमेंट भी दिखाऊंगा। और किसके बारे में बोल रहा हूँ मैं, आप लोग जानते हो जो धरती का सबसे बड़ा बोझ राक्षस प्रजाति का, वो मनुष्य नहीं राक्षस है। राक्षस जो गरीबों के बारे में नहीं सोच के, अगर जितना खाना वो टेकला जितना अकेले में खाता, 20-25 केजी चिकन चाहे कुछ भी कुत्ता के जैसे खाता, जानवर भेड़िया के जैसे खाता, अगर वो खाना गरीबों में अगर खिलाता तो उसके बाल बच्चा का दुआ लगेगा। लेकिन वो मुझे रोस्ट करता है, मेरे वीडियो पर कॉमेंट करता। मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ आप लोग समझ ही रहे हो, चिकन लेग पीस के बारे में। चलिए आप लोग को मैं उसका वीडियो थोड़ा दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को भी अच्छा लगेगा। और देखिए ये सब बच्चे लोग यहाँ पे भैंस चरा रहे हैं। और हाय कर, हाय कर, हाय कर ना। देखिए इतना बड़ा बड़ा है फिर भी शर्मा रहा है कैमरा में
आने से ये लोग का डेली शाम सुबह भाई चराना होता है। तो दोस्तों आज बने रहिए वीडियो में, पूरा उसको रिलाई करेंगे, पूरा उसको फंसेंगे, ठीक है ना। आप लोग वीडियो में जम के बने रहिए।